सामाजिकता की कच्ची सड़क पर राजनीति की तेज गाड़ी चल नहीं सकती और जो चलाएगा उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। इन लोगों को सिर्फ अपना घर चाहिए, इनको समाज नहीं चाहिए, समाज का सिर्फ वोट चाहिए। और समाज के साथ अगर कुछ उत्पीड़न होता है तो इनको समाज से कोई मतलब नहीं है। हमारे समाज के साथ, हमारे बहन बेटियों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। अगर ये आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, ये संसद में बैठे हुए हैं, तो इनका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। आरक्षण का मतलब है कि अगर आप आरक्षण लेकर के आप सांसद बन रहे, आप विधायक बन रहे, आप टीचर बन रहे, आप डॉक्टर बन रहे या इंजीनियर बन रहे, कहीं ना कहीं आपको रिप्रेजेंट करना है। तो इन लोगों को सबसे पहले जब ये वोट मांगना है तो इनको जूता दिखाओ। रोजी रोटी और बेटी का रिश्ता भी इनसे नहीं करना चाहिए, तब ये सुधरेंगे। और ऐसा व्यक्ति चुन के लाओ जो समाज का शुभचिंतक हो, अदरवाइज इनको जो है बिल्कुल समाज से बाहर। इसीलिए मानवर साहब ने चमचा युग बोला है, ये चमचे हैं, तो इन चमचों से सावधान होता है होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्टिव इंडिया। और इस समय मैं मेरठ में हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन हुआ है और यहाँ पर हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है। जिस तरीके से समाज में लगातार एक्टिविटियाँ हो रही हैं और एक तरफ जहाँ समाज जागृत हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इस समाज के हक और अधिकार वो खोते जा रहे हैं। लगातार प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। और वो सांसद जिनको बाबा साहब सुनिश्चित करके गए थे, वो दलित सांसद अपने मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं। उनका एक शब्द आपने संसद में नहीं सुना होगा। क्या कहेंगे सर, लगातार समाज में जन जागृति होती जा रही है लेकिन उसके बाद भी समाज के हक और अधिकार खोते जा रहे हैं। लगातार समाज में इस तरीके के बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, लोग बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं लेकिन उसके बाद भी समाज जो है बैकफुट पर जाता जा रहा है, उसके हक अधिकार सारे खत्म होते जा रहे हैं। एजुकेशन का जो लेवल है वो खत्म होता जा रहा है, सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन था वो खत्म होता जा रहा है। तो इसके लिए जिम्मेवार तमाम वो सांसद जो संसद में बैठे हुए हैं वो बिल्कुल खामोश हैं, उन्होंने कभी आज तक एक बात नहीं बोली होगी संसद में इसको लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं राजुद्दीन गादरे मुस्लिम समाज से हूँ लेकिन आज यहाँ उपस्थित हूँ केवल इसलिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो मिशन चलाया था, बाबा भीमराव अंबेडकर समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता पर आधारित इस देश को अपनी मेहनत की, ऐसे इस्लाम मजहब में हमारे हजरत मोहम्मद साहब ने की थी सऊदी अरब में, लेकिन यहाँ इंडिया में जो सबसे ज़्यादा फॉलोवर हैं बाबा भीमराव अंबेडकर हैं हमारे इस्लाम मजहब के भी। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने इतनी शिक्षा पाई है पूरे वर्ल्ड में कोई। सर मेरा सवाल सांसदों पे, सांसदों को मैं बतला रहा हूँ क्यों है कि वो अपने इस चीज़ के ऊपर जो मैंने कथन कहे हैं संवैधानिक, वो इन पे अमल नहीं करते हैं। वो केवल लालच और मोह माया में वहाँ फंसे हुए हैं और वो उसी दुश्मनों का षड्यंत्र है जो दुश्मनों पर 3% हो करके इस राज थोप रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन हमारा कौन है SC ST OBC माइनॉरिटीज़ का समाज, वो समझ नहीं रहा, मोह माया में, लालच में उनके चक्कर में आ जाता है। और सबसे बड़ा जो इसका तंत्र है वो है मीडिया, जो मीडिया बिकी हुई है लेकिन कुछ चौथा स्तंभ होते हुए देश को पलटने का जो काम करती है वो मीडिया करती है। आज मीडिया के कुछ तंत्र हैं जो हमारे SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं अपने लालच में। क्यों? क्योंकि उनका भी लालच है कि इस मीडिया को चलाने के लिए भी खर्चे की ज़रूरत होती है, लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटीज़ हमारा खर्च देने में असमर्थ रहता है। तो ये देखिए तमाम लोग हैं यहाँ पर, और भी कुछ लोग हैं और उनसे जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए तमाम लोग हैं लेकिन आपके हक अधिकार खोते जा रहे हैं और जिनके ऊपर जिम्मेवारी थी वो मुँह में दही जमा कर बैठे हुए। नहीं देखिए, इसको पॉलिटिकल तरीके से नहीं नापना चाहिए और राजनीतिक लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद करना मुझे नहीं लगता, ठीक है ना। ये एक सामाजिक आंदोलन है और सामाजिक आंदोलन में हमेशा जो 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 खामियां हैं उनके ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं, राजनीतिक आंदोलन में ऐसी चर्चा कर नहीं सकते। आपने सुबह से आप कवरेज कर रहे हैं, अभी कानून तो संसद से ही बनते हैं जी। नहीं ठीक है, देखिए सुनिए, कानून बनना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन कानून कैसे बन रहा है, किस सरकार से बन रहा है, ये महत्वपूर्ण है। तो प्राइवेटाइजेशन तो लगातार होता जा रहा है। देखिए सामाजिकता की कच्ची सड़क पर राजनीति की तेज गाड़ी चल नहीं सकती और जो चलाएगा उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। अभी भारत के तमाम दलितों को ये मान लेना चाहिए कि अगर उनका सामाजिक मूवमेंट जब तक मजबूत नहीं होगा, उनका जो सांस्कृतिक आंदोलन है जब तक वो मजबूत नहीं होगा, तब तक वो राजनीति का हिस्सा या सांसद का हिस्सा बन नहीं सकते। और एक बात और, अभी तो है सर, देखिए इसको राजनीति से मत जोड़िए,
क्योंकि मैं इस प्रोग्राम के बाद मैं लगातार कह रहा हूँ समाज में जन जागृति बढ़ रही है, समाज अपने अधिकारों को समझ रहा है कि उसके क्या अधिकार हैं, लेकिन उसके अधिकार तो खत्म होते जा रहे हैं। एजुकेशन का लेवल है वो जीरो होता जा रहा है, जो सरकारी नौकरियां लोगों को मिलती थी वो अब खत्म होती जा रही है, प्राइवेटाइजेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जो संसद में बैठे हुए सांसद हैं जिनको बाबा साहब की वजह से वो संसद में गए, 131 सांसद जो दलित सांसद हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी जिम्मेवारी थी समाज को आगे बढ़ाने की, समाज की आवाज़ को रखने की, लेकिन वो तो खामोश है ना। नहीं देखिए, ये आरक्षण का दुर्भाग्य है, संयुक्त निर्वाचन पृथक निर्वाचन, बाबा साहब ने जो पूना पैक्ट हुआ वहाँ यही सवाल था, बाबा साहब ने ये कहा था कि ये संयुक्त निर्वाचन से जो लोग जाएंगे कहीं ना कहीं ये खामी का शिकार होगा। और ये दुर्भाग्य है, ये तमाम लोगों को, एक बात आप सांसदों की बात छोड़िए, जो सरकारी नौकरी में लोग हैं उनको भी ये बात माननी चाहिए कि आरक्षण का मतलब है रिप्रेजेंटेशन। आरक्षण का मतलब है कि अगर आप आरक्षण लेकर के आप सांसद बन रहे, आप विधायक बन रहे, आप टीचर बन रहे, आप डॉक्टर बन रहे या इंजीनियर बन रहे, कहीं ना कहीं आपको रिप्रेजेंट करना है। हो उल्टा रहा है राजनीति में कि सांसद जिस पार्टी से चुन करके आते हैं वो उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं दलितों को रिप्रेजेंट नहीं करते। लेकिन मेरा मानना यह है, मैं बड़ा आशावादी व्यक्ति हूँ, अम्बेडकरवाद में बहुत ताकत है, निश्चित रूप से ये समाज जो है ना ये सबको कंट्रोल कर लेगा और ये बहुत दिन परिवर्तन होने वाला नहीं है। दरअसल ये पॉलिटिशियन पहली बात तो मंच नहीं है, ये हमारा बुद्ध परिवार सम्मेलन मेला था, एक तरीके से अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाना, बाबा साहब की और डॉक्टर अम्बेडकर की और बुद्ध की और अपने महापुरुषों की, महामानवों की, सॉरी महापुरुष बोलते हैं तो उसमें नारी लुप्त हो जाती है, तो हमारी वीरांगना भी ऐसी ऐसी पैदा हुई हैं, जलकारी भाई, सावित्री भाई। बाबा साहब भी तो कह के गए सर राजनीति के बारे में, काशीराम जी ने कहा राजनीति के बारे में। इतने भी ये राजनीति में जो बैठे हैं ये सत्ता के दलाल हैं खाली, इन लोगों को सिर्फ अपना घर चाहिए, इनको समाज नहीं चाहिए, समाज का सिर्फ वोट चाहिए, और समाज के साथ अगर कुछ उत्पीड़न होता है तो इनको समाज से कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमारे लोगों को सबसे पहले अब ये समझना पड़ेगा कि हमारे बीच में वोट जो मांगने आ रहा है वो सत्ता का लालची है या समाज का शुभचिंतक है, ठीक है, समाज को चाहता है या समाज की दुख, जब समाज में कोई दुख आएगा तो उसकी बात उठाएगा नहीं उठाएगा ये। जैसे कि अभी हमारे दिल्ली में भी और हाथरस कांड हुआ, दिल्ली अभी अंजलि कांड हुआ, तो ऐसे मुद्दों पे हमारे लोग ये बोलेंगे नहीं बोलेंगे, इनकी अभी सबकी आ रही है कि सब लोग सामने आ रहे हैं, तो इन लोगों को सबसे पहले जब ये वोट मांगना है तो इनको जूता दिखाओ, इनको जूता दिखाओ, और अपनी जो वोट देनी आपको, ये मेरा सभी बहुजन समाज के, हम दलित नहीं हैं, हम बहुजन समाज हैं, और बहुजन समाज के लोगों से मेरी सभी से निवेदन ये है मेरा कि जब भी सत्ता के या चाटुकार जो आते हैं राजनीति का, जब भी इलेक्शन आता है राजनीति वाले जब आते हैं तो इनकी दारू को, इनके पैसे को, इनकी साड़ी को, इनके लड्डू को, इनकी बर्फी को, सबको लात मारो, और ऐसा व्यक्ति चुन के लाओ जो समाज का शुभचिंतक हो, अदरवाइज इनको जो है बिल्कुल समाज से बाहर करो। अभी आपने सवाल पूछा है कि राजनीति में जो पहुँचे हुए हैं, संसद की पूरी सीट भरी हुई है, राजनीतिक हमारा अधिकार प्राप्त है, राजनीतिक रूप से हम मजबूत हैं, लेकिन आप देखिए कि वो कौन लोग बैठे हुए, जो संसद में बैठे हुए हैं, जो विधानसभा में बैठे हुए हैं, क्या अम्बेडकरवादी हैं, क्या वो हमारे बहुजन अम्बेडकरवादी से आप अपनी बहुजन समाज पार्टी या जो बहुजनों की पार्टी उससे जीत के गए हैं, वो उनसे सवाल पूछना चाहिए कि आपने बाबा साहब के आरक्षण के बल पे जो आप यहाँ संसद में आए हैं, क्या आप बहुजनों का रिप्रेजेंट करते हैं, दलितों का रिप्रेजेंट करते हैं? अभी जो हाथरस का कांड हुआ था सर, वहाँ पे वो दलित सांसद है, जिस समाज से उसी समाज का, क्या उन्होंने उसके खिलाफ आंदोलन किया? अगर ये हमारी बात नहीं करते हैं तो ये हमारे नेता नहीं हैं, ये दलितों का रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बहुजनों का रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये सवाल आप उनसे पूछना चाहिए, और उनसे ये सवाल पूछना चाहिए, और ये आपको कहना चाहिए कि अगर ये हमारे समाज के साथ, हमारे बहन बेटियों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, अगर ये आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, ये संसद में बैठे हुए हैं, तो इनका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, और इनको, इनके हर तरह से सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, रोटी और बेटी का रिश्ता भी इनसे नहीं करना चाहिए, तब ये सुधरेंगे, ये जवाब है उनका। तो वो हमारे नेता नहीं हैं, वो जिस पार्टी से होते हैं वो उनका दलाल होते हैं, इसीलिए मानवर साहब ने चमचा युग बोला है, ये चमचे हैं, तो इन चमचों से सावधान होना चाहिए। जितनी
तेज हमारी पार्टी, जितना ही हमारी पार्टी मजबूत होगी उतने ही चमचे पैदा किए जाएंगे। तो ये चमचे पैदा किए जाते हैं और इन चमचों से बचने का एक ही रास्ता है, इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। और इस पे आप लोग उनसे सवाल उठाइए, संसद में जाके जो सांसद हैं उनसे सवाल पूछिए कि आप जो है यहाँ बैठे हो आप किसका प्रतिनिधित्व करते हो, या हमारे हमसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं, उन्हीं से सवाल पूछिए, वो जवाब देंगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू। तो देखिए दोस्तों, ये तमाम लोग थे दलित सांसद, वो सांसद जिनको बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिया और उस अधिकार के माध्यम से वो संसद में गए। बाबा साहब का सपना था कि उनके द्वारा चुने गए वो तमाम सांसद संसद में दहाड़ेंगे और इस देश के बहुजन समाज की आवाज़ को बुलंदियों तक पहुंचाएंगे, उनकी समस्याओं को उस संसद में रखेंगे। लेकिन वर्तमान में ऐसा हो नहीं रहा है। आप क्या सोचते हैं इस तमाम पूरी खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्टिस टीवी इंडिया।